हे गाइस, सो देखिए आई एम रेडी। मैं अभी बज रहे हैं 8 और अभी नहा के निकली हूँ क्योंकि काफी कुछ काम था आज भी। सो वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब दिवाली की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत अगर कोई स्नैक्स जो मुझे बनाना है, अगर मुझे टाइम मिला और मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मैं मार्केट से ही लेके आऊंगी क्योंकि इस बार बहुत लेट हो गई थी सफाई करने में और सब में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और ये देखिए, ये है मेरा लुक। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से मिलने के बाद हम लोग जाएंगे कॉफी पीने के लिए। इनके फ्रेंड्स जो हैं गुड़गांव से वो आ चुके हैं तो उनके साथ हम लोग जाने वाले हैं कॉफी पीने के लिए। सो चलिए आपको भी साथ में लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम क्या क्या करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए। सो कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो हम लोग गए थे बेकन शेक पे, जो यहाँ पे एक नया कैफे खुला था वहाँ पे हम लोग गए थे कॉफी पीने के लिए। सो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को चीज केक भी दिख गया। सो उन्होंने कहा वो भी खाएंगे, सो हमने वो भी खाया। सो काफी अच्छी जगह थी, काफी अच्छा लगा, बस मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। बाद हम लोग चले गए थे वीर जी। यहाँ पे एक चाप है, वो बहुत अच्छा बनाता है वीर जी, तो वहीं पे हम लोग चाप खाने चले गए। मैं आपके साथ एज यूजुअल मेरी कुछ शॉपिंग शेयर करती हूँ जो मैंने अभी की है। सो क्या क्या आया है बताती हूँ मैं आपको, देखते हैं क्या है। ये एक पैकेट है जो मैंने मीशो से मंगाया है, इसमें है मेरी एक ज्वेलरी। ओके, ये बहुत ही पीसा सेट था जो मैंने अभी दिवाली पे साड़ी में पहनने के हिसाब से मंगाया है और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। सॉरी, मुझे प्राइस तो बिल्कुल याद नहीं है, बट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा है। बहुत ही प्रिटी सा, प्यारा सा ऐसा सेट है। ये देखिए, ये इसके इयररिंग्स हैं और ये इसके इयररिंग्स हैं, ये देखिए। और ये है इसका सेट जो एक्चुअली दिखने में पूरा गोल्ड सा लगता है, तो मैंने उसी के हिसाब से मंगाया क्योंकि साड़ी पे ना ये ऐसे सेट्स बहुत प्रिटी लगते हैं, गोल्ड के जो लगते हैं, गोल्ड टाइप के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने मंगाया है। देखिए ये इस टाइप से है ये सेट और बहुत ही प्यारा है। और क्या है, अच्छा ये तो मेरी गमले की ट्रेज है, इसका कोई वो नहीं है, इसको क्या दिखाऊँ मैं आपको। फ्लिपकार्ट से शायद ये भी मेरा कोई डेकोरेटिव आइटम ही आया होगा, मैं अभी खोल के देखती हूँ, मुझे भी याद नहीं है और पता नहीं है क्या है। सो आप ही के सामने मैं इसको खोल रही हूँ, देखते हैं क्या आया है। ओके, सो ये है मेरी रंगोली का सेट। एक्चुअली मैंने इस अब की बार ट्राई करने के लिए ये रंगोली का एक मंगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी अच्छा लगा। वैसे तो मैं रंगोली खुद बनाती हूँ और खुद ही बनाऊंगी, फ्लावर की भी और कलर की भी। देखते हैं अब की बार कितना टाइम मिलता है और कितना पॉसिबल हो पाता है तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज ये तो एक सिंपल सी चीज़ हो ही गई है जिसको मैं बनाऊंगी। ये कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे लगेगा शायद। ये छोटा है पर प्रिटी है। इसी के साथ मैं फिर इसको ये है, और ये भी अच्छा है, अच्छी चीज है, इजी टू मेक। यार एक बात बताओ, हाँ तुम ये रात को कपड़े क्यों सुखा रही हो? अरे एक्चुअली क्या है ना, दिवाली की सफाई में पूरा दिन निकल जाता है और घर के कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं, पर्दे चादर सब धुल रहे हैं तो बहुत टाइम लेट हो जाता है। फिर त्योहार के दिनों में कपड़े धुलेंगे नहीं और घर के कपड़े काफी इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो रात को ही धो के सुखा के डाल देते हैं, धूप में कल सूख जाएंगे तो जिससे और कोई कपड़े बाद में धुलेंगे, कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे। इस चक्कर में मैंने आज रात को ही कपड़े धो के सुखा दिए। अब कि अपने को आगे दिक्कत नहीं होगी, घर के कपड़े है ना चाहिए होते, इसलिए। ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया तुमने। तुमने पूछा, मैंने जवाब दिया। वाह क्या बात। देखो नीचे कुत्ते लड़ रहे हैं कपड़े लेके, तो तुम जाओ उनकी लड़ाई छुड़वा दो। देखो तो कहीं नीचे लड़ रहे हैं, लड़ ही रहे हैं ना। देखो अपने को देख रहे हैं, शूट करो, देखो अपने को देख रहे हैं वो, और क्लोजअप से करो, देखो अपने को घूर रहे हैं।
कुत्ते हमको घूर रहे हैं, वो तो अपने को घूर ही रहे जैसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है धनतेरस, तो सबको हैप्पी धनतेरस। और अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। आज जो है, मैं धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती और सफाई मेरी ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, सब कुछ डन है। सो अभी मैं सिर्फ आज जो मेरे को कवर लगाना है और पर्दे वगैरह लगाने हैं, मैं वही काम करूँगी। सो वो सब काम होंगे आज। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ बना भी लूँ, क्योंकि मैंने अब की बार कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि क्यों नहीं बनाया था और क्या सिचुएशन है वो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊँगी। अभी मैं नहीं बता रही आपको कुछ भी, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। हम लोग एक्चुअली दिवाली गाँव जाके मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हम लोग हर साल दिवाली गाँव जा कर के ही मनाते हैं। सो अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी, आज शाम तक शायद डिसाइड हो जाएगा, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। इधर देखिए, मैंने इन पेड़ों को भी अच्छे से वॉश कर दिया है और अब ये भी मेरे पेड़ चमकने लगे हैं इस साइड के। एक्चुअली ये साइड ना काफ़ी अच्छा सा लगता है, क्योंकि मनी प्लांट को मैंने ऐसे रोल रोल करके ऐसे नीचे वो कर दिया, तो काफ़ी बड़ा सा है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक पार्ट साइड भी अच्छा लगता है। और ये मेरे इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि कल रात को ही मैंने सारे कपड़े धो के रख दिए थे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे टाइम नहीं मिलता। सो मैंने एक साथ कपड़े धो के रात को सुखा दिए थे, अभी सूख जाएंगे और दिन तक मैं ले लूँगी। और इधर देखिए, इधर बन रही है मेरी चाय। मैं बना रही हूँ सुबह सुबह की चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चाय पी के जाएंगे, आज लंच लेके नहीं जाएंगे। सो पर्दे वगैरह लगाने हैं, बहुत सारे काम हैं, तो मैंने इनको बोल दिया है कि आज आपको जल्दी ही आना है। मैंने डरा धमका के उनको बोला है कि आज अगर आप जल्दी नहीं आए तो फिर देखना। सो ये इधर चाय भी बन रही है साथ के साथ। और आज मेरा बन रहा है छोले, आज मैं बनाऊंगी छोले, छोले और चावल आई गेस, या फिर छोले पूड़ी, वो क्या बनेगा अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं। इधर चल रही है मेरे छोले की प्रिपरेशन। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्ट्रेनर में ही मैं सारे अपने गरम मसाले डाल करके फिर मैं छोले के अंदर डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोले राजमा और ये मिक्स दाल बनाऊँ या कोई भी दाल वगैरह बनाती हूँ उसमें ऐसे मसाले आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आजकल यही तरीका अपनाना शुरू किया है कि मैं ऐसे बनाती हूँ और इसी तरीके से मैं छोले के अंदर अपने मसालों को, खड़े मसाले को डालती हूँ। अब मैं कर रही हूँ अपना लंच। तो आज लंच में है छोले, मसाला पूड़ी, प्याज और चावल। और ये हैं मेरे हस्बैंड, नींदों में लंच करने आए हैं। हे गाइस, सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम लोग थोड़ा गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लाना था, कुछ सब्जी वब्जी और जो लाइट्स वगैरह, थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लाना था, वो सब मैं लेके आई हूँ। मैं हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट लाइट लगाने में, क्योंकि आपको पता है अब की बार सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, सारा शेड्यूल लेट चल रहा था, क्योंकि ना तो मेरी सफाई टाइम पे हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्राइंग रूम, जो मैंने अब की बार दिवाली के हिसाब से डेकोरेट किया है और जो मेरे से हो पाया वो मैंने किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्राइंग रूम। सो गाइज, ये देखिए, ये मैंने अपना सेटिंग थोड़ा सा चेंज किया है और ये कुशन कवर्स भी मैंने चेंज किए हैं और ये भी मैंने अभी चेंज करके इसको सेट किया है। और फ्रंट का पोर्शन मैंने ऐसा रखा है जिसमें मैंने अपने प्लांट्स रखे हैं, सुंदर सुंदर से प्लांट्स, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैं दिवाली पे अंदर रख लेती हूँ कुछ प्लांट्स, तो ये मैंने रखा है इधर। और ये देखिए, ये है मेरा पूरा ड्राइंग रूम। बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ड्राइंग रूम, मेरी सेटिंग वगैरह कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। सो मार्केट से आने के बाद हम लोग लग गए थे हमारे लाइट्स लगाने के लिए। हे गाइस, मैं रेडी होने जा रही थी, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा अभी रात को घूमने जाने वाले थे। हम लोग कहाँ जाने वाले थे? सराफा बाजार जाने वाले थे, कुछ काम भी था और ऐसे घूमने के हिसाब से। बट हमारे यहाँ लाइट चली गई है, क्योंकि हो रही है यहाँ पे बारिश।
बारिश की वजह से लाइट चली गई है, तो अब जब लाइट आएगी तब मैं रेडी होंगी और फिर मैं जाऊंगी। चलिए तो अब हो जाते हैं फटाफट से रेडी। ये लाइट भी आ गई, तो अब हो जाते हैं फटाफट से रेडी और रेडी होने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो अब मैं पहले हो जाती हूँ रेडी, उसके बाद अपन लोग जाएंगे, ठीक है। मेरा लुक अभी जाने के लिए, और मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दिए। मैं दिए लगाने में काफी लेट हो गई थी, बट मुझे लगाने थे तो मैं फटाफट से मैं दिए लगा रही हूँ। 5 दिए मैंने जलाए थे और मैं वही दिए लगाऊंगी। गाइज हम लोग वहां पहुंच चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में काफी रश था। मार्केट में रात को 2-3 बजे तक भी काफी रश था, और हमको एक्चुअली कुछ लेना भी था इसलिए हम लोग पहुंच गए थे वहां पे। और हम लोगों को, दोस्त लोगों को थोड़ा घूमना था, मस्ती वस्ती करनी थी, इसलिए भी हम लोग उस दिन वहां गए थे। यहाँ देखिए ये है मेरे घर की लाइट जो मैंने नीचे से रिकॉर्ड की थी। कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। हे गाइस, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने धनतेरस पे इस बार क्या लिया है। मेरे सेविंग से और मेरी थोड़ी बहुत जो अर्निंग मैं करती हूँ उससे मैंने क्या सेव करके लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने लिया है ये 2 ग्राम का गोल्ड का सिक्का। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपनी अर्निंग से कुछ छोटा मोटा इस बार धनतेरस पे ले पाई। तो देखिए ये मैंने लिया है इस बार धनतेरस पे। हेलो गाइस, आज है छोटी दिवाली और अभी बज रहे हैं सुबह के 11, और हम लोग कल शाम को कल रात को हम लोग बहुत लेट आए थे। बहुत लेट इन द सेंस हम लोगों को आते आते 2:30 बज गया था। 2:30 बजे तो हम आए, फिर हम लोग सोए, तो सुबह उठने में थोड़ा सा डिले हो गया। बट अभी मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे काम निपटा लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, मतलब दिवाली के लिए थोड़े से स्नैक्स। बहुत ज़्यादा तो मैं बना नहीं रही, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपडेट दूंगी कि अब की बार हम लोग गांव जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो अपडेट ये है कि इस बार हम दिवाली के लिए गांव नहीं जा रहे हैं और हम लोगों के यहाँ दिवाली पूजा भी नहीं होगी। सो कोई ख़ास तो कुछ होगा नहीं, पर थोड़ा बहुत जो घर के लिए और कोई गेस्ट वगैरह है तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स बना रही हूँ। ज़्यादा मैं कुछ बना भी नहीं रही हूँ, और कल दिवाली है तो कल दिवाली के दिन थोड़ी सी रंगोली बना लूँगी छोटी सी, और बहुत सिंपल सी सीधी सी ही दिवाली रखेंगे हम लोग। सो ये है अपडेट, और अब चलिए शुरू करते हैं किचन का काम।
सो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चकली के लिए अपने आटे को रख दिया है स्टीम होने के लिए। आटा पहले चकली के लिए स्टीम हो जाएगा और उसके साथ साथ मैं अब तैयारी कर रही हूँ मैदा लगाने की। मैदा लगाऊंगी मैं, मीठे वाले जो शक्करपारे होते हैं वो बनाऊंगी और नमकीन वाले दोनों बनाऊंगी साथ साथ ये, और अगर कोई चीज़ बन पाई तो वो बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। नमक पारे बनाए हैं और साथ में गोल वाली मठरी भी बनाई है, साथ में चकली बनाई है और मैंने बनाए हैं शक्कर पारे। तो ये सब मैंने बनाया है अपने दिवाली के स्नैक्स में, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं बनाऊंगी, तो यही मैं बना पाई। मिठाई वगैरह मम्मी वगैरह बनाएंगी, तो यही। सो गाइज, अब देखिए मेरे दिए तैयार हो चुकी हैं और मैं अब अपने दिए लगाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपडेट तो दे रखा था, पूजा तो होगी नहीं पर दिए जरूर हम लोग लगा रहे हैं, तो दिए हम लगाएंगे। तो सबसे पहले भगवान का नीचे रख देते। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दिवाली का व्लॉग भी जल्दी ही आने वाला है।